नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल श्री भूमि में। आज हम माघी पूर्णिमा की व्रत कथा सुनाएंगे। इस बार माघ मास की पूर्णिमा तिथि 5 फरवरी को पड़ रही है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान और दान दक्षिणा का 32 गुना फल प्राप्त होता है, इसलिए इसे 32वीं पूर्णिमा कहा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार माघी पूर्णिमा के दिन स्वयं भगवान विष्णु गंगाजल में निवास करते हैं, इसलिए इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने का बहुत महत्व माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजन और व्रत करने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं माघ पूर्णिमा व्रत की कथा। माघ पूर्णिमा व्रत कथा। कथा के अनुसार कांतिका नगर में धनेश्वर नाम का ब्राह्मण निवास करता था। वह अपना जीवन निर्वाह दान पर करता था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी के कोई संतान नहीं थी। एक दिन उसकी पत्नी नगर में भिक्षा मांगने गई, लेकिन सभी ने उसे बांझ कहकर भिक्षा देने से इनकार कर दिया। तब किसी ने उससे 16 दिन तक माँ काली की पूजा करने को कहा। उसके कहे अनुसार ब्राह्मण दंपति ने ऐसा ही किया। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर 16 दिन बाद माँ काली प्रकट हुई। माँ काली ने ब्राह्मण की पत्नी को गर्भवती होने का वरदान दिया और कहा कि अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम दीपक जलाओ। इस तरह हर पूर्णिमा के दिन दीपक जलाती जाना, जब तक कम से कम 32 दीपक ना हो जाए। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को पूजा के लिए पेड़ से आम का कच्चा फल तोड़कर दिया। उसकी पत्नी ने पूजा की और फल स्वरूप वह गर्भवती हो गई। प्रत्येक पूर्णिमा को वो माँ काली के कहे अनुसार दीपक जलाती रही। माँ काली की कृपा से उनके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम देवदास रखा। देवदास जब बड़ा हुआ तो अपने मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेजा गया। काशी में उन दोनों के साथ एक दुर्घटना घटी, जिसके कारण धोखे से देवदास का विवाह हो गया। देवदास ने कहा कि वह अल्पायु है, परंतु फिर भी जबरन उसका विवाह करवा दिया गया। कुछ समय बाद काल उसके प्राण लेने आया, लेकिन ब्राह्मण दंपति ने पूर्णिमा का व्रत रखा था, इसलिए काल उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। इस कथा के अनुसार सच्चे मन से पूर्णिमा दिन व्रत करने से संकट से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर आपको ये कथा अच्छी लगे तो लाइक करें, वह अपने मिलने वालों के पास शेयर करें, और यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न हो तो कमेंट कर जरूर पूछें। धन्यवाद।